Now we are going to read the new words. You follow me. Okay. D-R-O-P, drop. Drop means a wound. S-T-R-E-A-M, stream. Stream means a jo nala bate hai chota sa, wo ye stream. A-T-T-I-C, attack. Attack means जो छत के नीचे जो कुछ जगह होता है वो है अटिक. W O N D E R F U L, wonderful. Wonderful means जो अद्भुत होता है वो है wonderful. N O I S E, noise. Noise means आवाज. W E N T, vent. Vent means गया. G O go मालूम है, go means जाना. उसका पास्ट टेंस है वेंट. S T A I R, stairs. Stairs means a sitting. B R W M, brew. Brew means a झाड़ू. S O L D I E R S, soldiers. Soldiers means a soldier. S W W T E N, sweeten. Sweeten means जो बेटा बनाने के लिए जो करते हैं वो ये स्वीट है. S W W T, स्वीट. स्वीट मीन्स बेटा. W R A W P E D, रैप. रैप मीन्स जो हम कवर करते हैं वो है रैप. इसका पास्ट टेंस है रैप, जो कवर करने. S P E C I A L, स्पेशल. स्पेशल मीन्स विशेष. P R E T E N D E D, pretend. Pretend means हम जो act करते हैं वो असली में नहीं, वो हम उसको ऐसे सोच के करते हैं वो है pretend. D R A G G E D, drag. Drag means खींचना. और A W R I V E D, arrive. Arrive means पहुंच गया. Arrive, पहुंचना. इसके past tense है arrived. R A I N C O A T, raincoat. Raincoat means जो बारिश आ जाते हैं तब हम पहनते हैं गीला नहीं होने के लिए, वो है raincoat. G A L O S H E S, galoshes. Galoshes means जो waterproof shoes. ताकि हम वो पहनेंगे और बारिश में जाएगा तो हम गीला नहीं होते. E X T R E M E L Y, extremely. Extremely means जो बातें वो सबसे ज्यादा. Extremely hot means सबसे गर्म. Extremely cold means सबसे ठंड. वो है एक्सट्रीम. Next we are going to learn about in this lesson singular and plural. Singular means ek vachan. Singular ka definition, when a noun refers to a single person, place or animal or thing, it is called a singular. Ek ke bare mein bolne ke liye singular hota hai. One pen. One pen means ek pen. One pen means एक पेन. ये तीन चार बार एक साथ बोले पकड़ेगा तो पेन. ये बहुवचन, ठीक है. ये सिंगुलर, एक के लिए सिंगुलर. नेक्स्ट प्लूरल. प्लूरल मीन्स बहुवचन. व्हेन नाउन रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इट इज प्लूरल. This is one pen and these are two pens. ये plural. एक से ज्यादा हो गया तब plural. एक के लिए singular बोलते हैं, एक से ज्यादा है तो plural बोलते हैं. तीन, चार, कितना है, ठीक है. अभी कुछ some words I have written on the board. We are going to see this singular and plural. Cow, cows. Book, books. Bottle, bottles.
table, tables. Ball, balls. Kite, kites. Flower, flowers. Box, boxes. Brush, brushes. Mango, mangoes. Tomato, tomatoes. Lady, ladies. इसमें ये सारे वर्ड्स का सिंगुलर में इसे प्लूरल में चेंज करने के लिए हम ये लास्ट अक्षर में के बाद एस लगा दें, ये सारे में एस लगा दें। बॉक्स, बी ओ एक्स, बॉक्स, ये प्लूरल में चेंज करने के लिए एक्स के आगे ई एस लगा दें। ब्रश, ब्रशेस, इधर भी ई एस लगा दिया। मैंगो, मैंगोस, इधर भी ई एस लगा दिया। टमाटो, टमाटोस, इसका भी ई एस आ गया। लेडी, लेडीज, एल ए डी आई एस, वाई हटा के आई एस लगाएंगे। ऐसे सिंगुलर प्लूरल में कई डिफरेंस होता है उसमें, और अपने बुक में और एक्सरसाइज है उसमें हम आगे लर्न करेंगे। ये डेफिनेशन लर्न करना, ये न्यू वर्ड्स टेन टेन करके रीडिंग लर्न करना, एंड साथ साथ लेसन भी रीडिंग करना, और हम आगे एक्सरसाइज में जाएंगे, तब और सिंगुलर प्लूरल में हमको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।